हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पावर पॉइंट के इंटरफेस की, मतलब यूजर इंटरफेस। जब आप अपने पावर पॉइंट को करते हैं ओपन, तो आपको जो उसका यूजर इंटरफेस दिखता है वो किस तरीके से होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही हमने पावर पॉइंट को ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आया। अब इसका मैं एक एक चीज आपको इन डिटेल बता देता हूँ कौन सी चीज कैसे वर्क करती है एंड कौन सी चीज का क्या मीनिंग है। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे पावर पॉइंट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसके नीचे आपको मिल जाता है एक रिसेंट का सेक्शन। रिसेंट के सेक्शन में दोस्तों वो सब चीजें दिखाता है जो हम अपने पावर पॉइंट में यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं दोस्तों। मतलब पास्ट में हमने पावर पॉइंट में कुछ भी ओपन किया होगा तो हमारे रिसेंट के सेक्शन में दिखाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दो फाइल है मैंने टुडे मतलब आज ओपन की है अपने पावर पॉइंट में। इस वीक में दोस्तों मैंने एक ही फाइल ओपन की है एंड उससे पहले दोस्तों मैंने ये तीन फाइल ओपन की है अपने पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों रिसेंट सेक्शन की बात एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पिन का। पिन का ऑप्शन कैसे काम करता है कि हो सकता है कि आपने किसी फाइल में एक महीना या उससे बहुत टाइम पहले वर्क किया हुआ हो, लेकिन आप वो फाइल ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए या आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, तो उन फाइल को दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे पिन अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपनी क्लास नंबर 1 को पिन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिन सबसे टॉप पे ही हमारा ये क्लास नंबर 1 दिखाएगी। अब चाहे दोस्तों मैं इस पावर पॉइंट को एक महीने या एक साल बाद ओपन करूँ, फिर भी यहाँ पे मेरे को पिन में क्लास नंबर 1 दिखाएगी ही दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को कर सकते हैं यहाँ पे पिन। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड हैं, इन स्लाइड का क्या काम है। तो गाइस ये कोई साधारण स्लाइड नहीं है, कोई नॉर्मल स्लाइड नहीं है, ये टेम्पलेट है। तो अलग अलग टाइप के टेम्पलेट हैं दोस्तों, अलग अलग डिजाइन है यहाँ पे। आपको जो डिजाइन अच्छी लगती हो सिंपली आप उसमें से कोई भी डिजाइन पिक कर सकते हैं, देन आपके सामने जब वो ओपन होगा तो उसी डिजाइन में ओपन होगा दोस्तों। अभी हम दोस्तों बेसिकली ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने वाले हैं। ये सब डिजाइन हम खुद अंदर ही सीखेंगे कि ओपन करने के बाद हम कैसे डाल सकते हैं ये सब डिजाइन। तो अभी दोस्तों इन सब डिजाइन का कुछ फायदा नहीं है, ये सब दोस्तों अंदर हमारे पावर पॉइंट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर की। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट हैं, आप सिंपली अपना इंटरनेट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अभी मेरे पास ये ऑप्शन विजिबल नहीं है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डल हो रहा होगा, तो अभी ये मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है दोस्तों। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो सिंपली आप यहाँ से उसे कर सकते हैं सर्च। तो चलिए अब ओपन करते हैं अपना पावर पॉइंट की एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो गाइस यहाँ पे हमने ओपन कर दिया पावर पॉइंट की एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरफेस जब ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिख जाता है। अब गाइस अगर आप पावर पॉइंट 2013 से पुराना कोई यूज करते हैं, मतलब आपके पास एमएस ऑफिस का जो पैक है वो 2013 से पुराना है, तो जब आप उसमें पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके सामने डायरेक्ट इस टाइप का ही इंटरफेस ओपन होता है। इससे पहले जो पेज हमने देखा था वो 2013 और उसके नए वर्जन में ही आपको मिलेगा। 2013 से पुराना कोई वर्जन आप यूज करते हैं तो उसमें उस टाइप का पेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। आप कभी भी उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट इस टाइप का लेआउट, इस टाइप का यूजर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो गाइस अगर पुराना वाला पेज देख के आपको लग रहा है कि मैं कुछ अलग ही सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे पास अभी 2019 वर्जन है, तो 2019 वर्जन का जो लेआउट है वो इसी टाइप से है। लेकिन अगर आप उससे कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके सामने डायरेक्ट इस टाइप का यूजर इंटरफेस खुलेगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सेक्शन के, इसके यूजर इंटरफेस की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टॉप में मिल जाते हैं अलग अलग टैब, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू एंड लास्ट में मिल जाता है आपको एक हेल्प का सेक्शन दोस्तों। इन सभी टैब की दोस्तों हम अलग अलग क्लास लेने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने इस वीडियो को, अपने कोर्स को अब टैब वाइज, सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। मतलब सबसे पहले हम होम सेक्शन को समझेंगे, होम टैब को समझेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब को, उसके बाद डिजाइन को, फिर इसी तरह से हम सभी टैब को एक एक करके समझने वाले हैं दोस्तों। एंड होम टैब में दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं कि यहां पे आपको क्लिपबोर्ड का सेक्शन मिल जाता है जिसमें कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंट
सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद स्लाइड आप लेआउट अलग अलग सेट कर सकते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, इन सब के बारे में दोस्तों डीप नॉलेज हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हम इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यूजर इंटरफेस वाले सेक्शन में बस इतना ही। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके सामने किस टाइप का इंटरफेस आता है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।